दोस्तों, मैं जितेंद्र टेक फॉर्म से बोल रहा हूँ। आज शाओमी ने मी मैक्स 2 स्मार्टफोन लॉन्च किया है, तो ये इसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है, इसलिए इसको हम फेवरेट भी कह सकते हैं। ये फुल मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन दोस्तों फ़ोन है, और इसके पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि आप देख पा रहे हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा मेटल यूज़ किया गया है। इसके दोस्तों जो एजेस हैं वो कर्व्ड हैं, ताकि आप इसको इजीली इसको इसकी ग्रिप बना सकें और सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकें। हालांकि ये बहुत बड़ा फ़ोन है, लेकिन जो दोस्तों इसकी थिकनेस है बहुत कम है, 7.6 mm की थिकनेस है। इसके ऊपर IR ब्लास्टर है, और नीचे USB टाइप सी पोर्ट भी दी गई है फास्ट चार्जिंग के लिए। और दोस्तों, जहाँ तक इसके डिस्प्ले की बात करें, तो ये 6.44 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 1080x1920 पिक्सल्स, और 2.5D कर्व्ड ग्लास है, जिसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास की 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि आप इस, और दोस्तों ये जो फैबलेट है ये आइडियल है आपके मीडिया कंजम्पशन के लिए, और गेमिंग के लिए, और कंटेंट्स और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए। जहाँ तक दोस्तों इसकी बात करें और फीचर्स की, तो इसको स्नैपड्रैगन का 625 स्नैपड्रैगन का ऑक्टाकोर प्रोसेसर चलाता है, और जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.0 GHz, और ये 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसको कि आप फर्दर 128GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं वाया MicroSD कार्ड। और ये MIUI 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है, जो कि एंड्रॉयड नगेट बेस्ड सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है Xiaomi का। और दोस्तों, इसकी जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है वो है इसकी बैटरी, जो कि है 5300 mAh बैटरी, और जो कि आपका 2 दिन तक का काम चला देगी, जो कि कंपनी क्लेम करती है। इसके बारे में दोस्तों मैं आपसे बाद में बात करूँगा, पहले हम इसके कैमरा की बात कर लें। इसमें दोस्तों 12 मेगापिक्सल का सोनी IMX386 सेंसर दिया गया है, जो कि f2.2 अपर्चर, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस और डुअल LED फ्लैश के साथ आता है। और दोस्तों फ्रंट में भी बहुत अच्छा कैमरा दिया गया है, और फ्रंट में दोस्तों दिया गया है 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 85° वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा, और जिससे कि आप एक अच्छी सेल्फी खींच सकें। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इसके कैमरास की, अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। जैसा कि मैंने बताया, 5300 mAh की मैसिव बैटरी इसमें लगी हुई है, और कंपनी क्लेम करती है कि ये आपका 2 दिन का काम चला देगी, और इसमें आपको 31 डेज तक का इसका स्टैंड बाय टाइम दिया गया है, और 57 आवर्स ऑफ टॉक टाइम भी आप कर सकते हैं, जो कि कंपनी क्लेम करती है। इसके अलावा दोस्तों 0 to 68% तक आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं वाया 1 घंटे के अंदर, तो ये भी दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा प्लस फीचर है। और दोस्तों, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी फास्ट है, हालांकि मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, लेकिन Xiaomi माना जाता है अपने फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर्स के लिए, क्योंकि मैंने Mi Max को रिव्यू किया था और उसमें बहुत ही फास्ट इनका फिंगरप्रिंट सेंसर था। और दोस्तों, इसके अलावा ये 4G वोल्टेज एनेबल्ड फ़ोन है, और भी कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं इसमें, वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2 एट्सेट्रा। और दोस्तों, इसमें एक और बहुत अहम फीचर है, क्योंकि इसका डिस्प्ले ज़्यादा है, तो इसमें वन हैंड मोड फीचर डाला गया है, ताकि आप इसको सिंगल हैंड से नेविगेट कर सकें। और इसमें दोस्तों शॉर्टली ही आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी मिल जाएगा, जिससे कि आप एक ही डिस्प्ले में आप दो फंक्शन देख सकते हैं, जैसे कि आप एक वीडियोस भी देख सकते हैं, और दूसरे में आप अपना टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ मैटे ब्लैक कलर में ही अवेलेबल है, और इसकी प्राइस रखी गई है 16,999 रुपीज़, और ये 20th और 21st जुलाई को अवेलेबल होगा Xiaomi की एनिवर्सरी सेल पर, और इसके बाद 27th जुलाई से ये ये अवेलेबल होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन चैनल्स पे। तो दोस्तों, मेरा जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है, ये फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और अगर आप काफ़ी मीडिया कंज्यूम करते हैं और गेमिंग के काफ़ी शौकीन हैं, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर इनके फीचर्स को देखा जाए, तो इसकी प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। तो Xiaomi ने दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अच्छा पैकेज बनाया है उन लोगों के लिए, जो कि इस फ़ोन को एज ए मीडिया कंजम्पशन और
गेमिंग के लिए और रीडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techform.com, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी के बारे में लिखता हूँ। थैंक यू एंड बाय।